बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी जो आपने पार्टी देखी ना, उसमें जो केक कटिंग हो रही थी वो यही वाला यूनिकॉर्न केक था जो कि आपकी बहन ने बनाया। और इसका ऑर्डर मुझे तकरीबन कोई एक महीना पहले ही मिल गया था। और जिस क्लाइंट ने मुझे ये ऑर्डर दिया था ना, आपको यकीन नहीं आएगा, वो फर्स्ट टाइम मुझसे मिली, बिना उन्होंने मुझे परखा, बिना उन्होंने मेरा काम देखा उन्होंने मुझे ऑर्डर कर दिया, और वो भी अपनी बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे का। यकीन नहीं आ रहा ना? जी जनाब, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने उनको ये केक बना के दिया तो वो इतनी खुश हुई और पार्टी में इस केक की इतनी तारीफ हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसमें जो मैंने मिस्टेक्स की थी ना, वो ज़रा सुन लें ताकि आप मिस्टेक्स ना करें। मैंने क्या किया, ये केक था 2 टीयर का। नीचे मैंने 3 टीयर का एक केक बनाया और ऊपर मैंने 2 टीयर का बनाया। 5 पाउंड का ये केक था। मैंने नीचे की केक की सारी फ्रोस्टिंग करके, हाफ डन करके, केक दोनों मैंने फ्रिज में रख दिए थे। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जब मैं केक को डन कर रही थी। मैंने यहाँ पे सबसे पहली गलती क्या कि नीचे फ्लावर बनाना शुरू कर दिए ऊपर की टेयर को रखे बिना। जब मैंने आधे फ्लावर बना लिए तो मुझे ख्याल आया कि मैं ऊपर की टेयर को पहले रख के देखती हूँ। जब मैंने रखी तो फ्लावर सारे नीचे चले गए और वो कोई इतना बुरा लग रहा था, सेट ही नहीं हो रहा था केक। फिर देखिए मैं आपकी बहन ने क्या किया, मैंने फिर से पैलेट नाइफ अंदर इसके अंदर स्टिक की और अपने हैंड की मदद से इसकी ऊपर को टेयर को उठाया, और नीचे जो एक एक फ्लावर की लेयर ऊपर आ रही थी ना, जो कि बहुत ही ख़राब लग रही थी, इसको मैंने पैलेट नाइफ से साफ़ किया। अब ये मिस्टेक आपने नहीं करनी जो मैंने यहाँ पर की। ये देखिए एक एक जो फ्लावर था उसको मैंने पैलेट नाइफ से साफ़ किया। इसमें जो है अच्छे से मैंने ऊपर की लेयर को रखने से पहले मैंने इसमें जो है ना स्टिक्स लगा दी ताकि नीचे की लेयर ऊपर की लेयर को बर्दाश्त कर सके। केक डगमगाए नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि इनका इवेंट था, घर से बाहर ही था। लेकिन ये था कि उन्होंने खुद अरेंज किया था और ये केक कटना था तकरीबन कोई रात को 8-8:30 बजे के करीब, और वो मुझसे ले गए थे शाम में केक। तो काफ़ी टाइम था केक कटने में, तो आपको केक को स्टेबल करने के लिए सारे इंतजाम करने पड़ते हैं, और ये प्रोफेशनल काम आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप प्रोफेशनल बेकिंग करना चाहते हैं। तजर्बे करके ही आपको काम आता है। अच्छा, ये ऊपर की फ्रोस्टिंग भी मैंने कितने अच्छे से सेट कर दी थी। अब जब मैंने इसको ऊपर के टेयर को लगाया ना, तो थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो गया था, इसका फिनिशिंग ख़राब हो रही थी। तो आपने वहाँ पर घबराना नहीं है कि भैया फिनिशिंग ख़राब हो गई तो अब मैं क्या करूँ। जो बिगनर्स लड़कियाँ होती ना, वो बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी पैलेट नाइफ को आपने भिगो भिगो के ना, जैसे मारते हैं ना भिगो भिगो के, इस तरह से आपने पैलेट नाइफ को भिगो भिगो के अपनी जो आपका जहाँ से ख़राब हो रहा है वहाँ से ठीक कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। फिर नीचे के मैंने फ्लावर बना दिए। अच्छा, इन क्लाइंट का ना बजट थोड़ा कम था, तो मैंने इनको जो यूनिकॉर्न बना के दिया ना, वो मैंने फॉन्डेंट के नहीं बनाए थे। ये मैंने लिया था, इसे अल्लाह भला करे, इसका कहते हैं, ये होता है, क्या कहते हैं इसको, चमकीली शीट होती है। ये आराम से आपको किसी भी स्टोर से मिल जाती है जहाँ पर आपको जो है ना बाकी डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे ये शीट मिल जाती है आपको। आप ये शीट ले लें, और अगर आपके क्लाइंट का बजट कम है तो आप इस शीट से यूनिकॉर्न बना सकते हैं और आराम से केक बना के दे सकते हैं। ना आपके बजट ढिलेगा और ना ही आपके क्लाइंट का बजट ढिलेगा, और ना आपका क्लाइंट आपसे कहीं भागेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, दिमाग को लड़ाना पड़ता है, और आप अपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छा काम करके दे सकते हैं, जो कि वो बहुत खुश हो जाएंगे और आप भी हैप्पी रहेंगे और आपके क्लाइंट भी आपसे कहीं भागेंगे नहीं। तो ये देखें कितना प्यारा हमारा केक बन गया। अच्छा, ये सारी डेकोरेशन बनाने में मेरी बेटी ने बहुत हेल्प किया। ये केक क्लाइंट को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की उन्होंने मेरे केक की। ये केक क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लुक वाइज भी और जायके वाइज भी। तो अगर आप मुझसे केक बनवाना चाहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में, तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, केक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।